अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ और एडवांस मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने गूगल फॉर्म की लिंक के अंदर रखे हुए, सो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, 2 sin 45 into cos 45 = 2। सो ये बिल्कुल आपको प्योर है ना, याद करने वाला सवाल है कि आपको ये सारी वैल्यूज ना याद करनी पड़ेगी। साइन 45 की, साइन 90 की, साइन 30 की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सो साइन 45 की हमें मालूम है कि वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। इसी तरह कॉस 45 की भी क्या होती है, 1/√2। तो 1/√2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। और मल्टीप्लाई करना था हमें से 2 के साथ। सो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सेकंड सवाल हमारे पास है उसमें हमें कहा जा रहा है, इफ ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड बी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। सो हमें बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो सिंपल, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इसको आप इक्विवेलेंट कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। सो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले आप एक्स को मल्टीप्लाई कराओगे एक्स के साथ, फिर इसको एक्स को मल्टीप्लाई कराओगे वाई के साथ, फिर वाई को मल्टीप्लाई कराओगे एक्स के साथ और वाई को मल्टीप्लाई कराओगे वाई के साथ। तो ये बेसिकली आपकी यूं बन जाएगी इक्वेशन, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई हो जाएगा। अब अगर आप ना वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वाई एक्स हो जाएगा, एक्स वैल्यू को वाई एक्स लिखो की बात है सही है। और वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे और प्लस माइनस के साइन अगर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली ये बीच की दोनों टर्म्स जो आपको कैंसिल आउट हो जाएगी और एंड में आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आपको ये लंबे तरीके से करना पड़ेगा और टाइम ज़ाया होगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब चलते हैं क्वेश्चन थ्री की तरफ। सो क्वेश्चन थ्री में हमें कहा जा रहा है, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड। सो जो डेक ऑफ कार्ड है उसमें हमें बताया कि एक जो ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52। ये अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं। सो वही ये बिल्कुल याद रखते हैं कि 52 कार्ड्स होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स में, और 52 में से हाफ जो होते हैं आपके यानी कि 26 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 कार्ड्स जो होते हैं आपके बेसिकली वो ब्लैक होते हैं। तो अब हमें सवाल में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास कि जो हम कार्ड्स उठाएंगे, जो डेक जो मिले 52 कार्ड्स में से जो कार्ड्स उठाएंगे वो रेड ही होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, जब हाफ कार्ड्स रेड है तो प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही होगी। सो हाफ क्या होता है हमारे पास 50%, और यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन फोर में हमें कहा जा रहा है, इफ अ कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। सो ये बेसिकली हमें पता चल जाए कि ये हाइपरबोला का सवाल है, सही है। तो अगर हम सबसे पहले हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे तो वो हमारे पास हो जाती है एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो अब अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करते एक ये वाली और एक ये क्वेश्चन, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, y0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0,
ए की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5, सही है। तो फोकाई के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है बेसिकली, एक सी की वैल्यू चाहिए होती है, एक एक्स नॉट की और एक वाई नॉट की। सो एक्स नॉट और वाई नॉट की हमारे पास वैल्यू आ गई इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। यहाँ अगर आपको कंपेरिजन वाला तरीका अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हो कि इस इक्वेशन में ऐसी वैल्यू डालू एक्स नॉट की, ए की, वाई नॉट की, बी की, के जिसको अगर सिंप्लीफाई कर लूँगा तो आपका ये इक्वेशन बन जाए। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पर सिर्फ ये वाली टर्म चेक करो, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स नॉट का होल स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो इसमें अंदर अगर आप एक्स नॉट की वैल्यू जीरो रखो और ए स्क्वायर की वैल्यू वन रखो, सो यहाँ पर सिर्फ एक्स नॉट एक्स एक्स का स्क्वायर बचेगा। सो बेसिकली यही आपके पास फर्स्ट टर्म बन रही है यहाँ पर भी। इसी तरह वाई को भी चेक कर सकते हो, सही है। सो अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने का आसान सा तरीका ये है कि सी स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई है। सो सिंपल हम प्लग इन करेंगे, सी हमारे पास हो जाएगी सी स्क्वायर की वैल्यू, सी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6। तो अब मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएंगी। अगर मैं सेंटर ऑफ फोकाई निकालू तो ये मेरे पास बन जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, मेरे पास बन जाएगा सी की वैल्यू सही है अंडर रूट 6 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू क्या हमारे पास 0, और वापस से सी की वैल्यू और वाई नॉट की वैल्यू, वाई नॉट की क्या हमारे पास 0, सही है। सो बेसिकली ये हमारे पास बन जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट 6, 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। तो इसमें हमें बेसिकली कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव हमें निकालना है ई की पावर एक्स की पावर क्यूब। तो हमें मालूम है कि ई का जो डेरिवेटिव होता है वो ई ही होता है, सही है। तो सबसे पहले अगर हम ई एक्स क्यूब में से जो ई का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये ई एक्स क्यूब, जो कि सेम रहेगा। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हम जो ई की जो पावर है ना उसका डेरिवेटिव निकालें। तो यहाँ पर पावर क्या हमारे पास एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 3x², सही है। पावर नीचे आ जाती है और जो पावर नीचे आ जाती है हमारे पास एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्स की जो पावर होगी वही कम हो जाएगी, मतलब पहले 3 थी हमारे पास अब 2 हो जाएगी। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा बस 3x² इंटू ई की पावर एक्स की पावर क्यूब। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।